शुक्रवार की शाम जहां एक तरफ अभिज्ञान को जनता का सम्मान मिला, वहीं दूसरी तरफ बंगाल के राहुल को मिला एलिमिनेशन का फरमान। कब से उसको ढूंढता हूँ, भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने। जब से आया था थोड़ा वीक था, क्योंकि उसको अच्छा कॉमेंट्स नहीं मिला, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है। मुझे लगता है राहुल का एलिमिनेशन सही था। परफॉर्मेंस वाइज उसका एलिमिनेशन सही हुआ, जनता का सही डिसीजन है। मैं जनता से ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया था। जो जनता ने फैसला लिया बिल्कुल ही सही लिया। मैं जनता की वोटिंग के मामले से सहमत नहीं हूँ। जी बांग्ला में दोनों का विनर हुआ, उसमें बंगाल में था, ये ठीक है। हाँ, राहुल को जानबूझकर हटा दिया। हाँ, मेरे साथ गलत किया पब्लिक ने। मैं पब्लिक के डिसीजन पे नहीं सहमत, और कुछ एपिसोड में सेफ रह जाता तो मैं ही यहाँ पर लील चैंस बनता। राहुल दत्ता, जिसकी एंट्री बड़े ही शानदार तरीके से हुई और उसने सारे जजेस का दिल जीत लिया। बंगाल का दिल जीतने के बाद मैं आया हूँ सारे गाँव पर लेल चैंप्स का गोल्ड मेडल और सारे हिंदुस्तान का दिल जीतने। जब उसने गाना शुरू किया तो मुझे तो लगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसने गाना आगे बढ़ाया मुझे लगा दम है, बहुत दम है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, बस इसी तरह गाते रहो। बंगाल की मिट्टी को मैं हमेशा सलाम करता आया हूँ। तुमने बहुत मीठा गाया, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि तुम एक विनर हो। उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगा था नगाड़ा, जब उसने पहली बार नगाड़ा गाया था। मैंने रिलीजियंस में 8 एपिसोड में हिस्सा लिया, लेकिन मुझे खुशी तब हुई जब मैंने नगाड़ा गाया था। उस एपिसोड में अभिजीत दा फिर शाहिद कपूर दोनों स्टेज में आ गए थे। तुमने कुछ कुछ चीजें इतनी अच्छी डिटेल्स में गाई, कुछ कुछ उसमें हरकतें थी, वो हरकतों की वजह से मैं भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ सका। लिटिल चांस में आए सारे सेलिब्रिटी के बातों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। इतना अच्छे आप गा रहे हो, छोटी सी उम्र में इतना कमाल कर रहे हो। आप तो इतना एंजॉय करके गा रहे थे कि ऑब्वियसली हमें भी तो एंजॉय करना ही था। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, सुर में गाया बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मिठुन के देश का है भाई, छोटा मिठुन ही लग रहा है। जी दादा, ये तो ऐसे लगी जैसे बंगाल का जादू होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा गाया आपने। अलका जी और अभिजीत दा के बाद मैं बहुत ध्यान से सुनता था। मेरा गाना ढीला ढीला लग रहा था। तुम जब अपने किसी पर्टिकुलर नोट्स में आते हो ना, तो वहाँ पे तुम हिलने लगते हो। मुझे लगता है तुम थोड़े से चूक गए और अच्छा कर सकते थे, इसी गाने को और भी अच्छा गा सकते थे। इतना भी मत खो जाओ कि सुरों की भी खबर ना रहे या सुर भटक जाए। जो गलतियाँ है वो सुधारने के लिए मैं बहुत कोशिश करता था। टुडे आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, विद योर सिंगिंग, विद योर वॉइस। जिस तरह का ठहराव चाहिए था गाने बेटा, मुझे नहीं लगा। टॉप 8 की पोजीशन हासिल करने के बाद राहुल लिटिल चैंप के मंच से रुखसत हुआ, लेकिन राहुल हमेशा एक विनर के रूप में ही याद रहेगा। हाँ, मुझे सबकी याद आएगी और मैं सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और गुड बाय, लव यू ऑल।